मेरे प्यारे बिशुनपुर के भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक भारी मन से आया हूँ। बहुत दिनों से हमारे साथ अन्याय होता आया है, बहुत दिनों से हमारी आवाज दबा दी गई है। हमारा नेता चमरा लिंडा, जिसे हमने चुना था, वो हमें ही भूल गया है। 15 साल हो गए और हमारे पास दिखाने को क्या है? हमारी सड़कें टूट रही हैं, हमारे स्कूल खराब हो रहे हैं, हमारे अस्पतालों में साधारण चीजें भी नहीं हैं। ये वो भविष्य नहीं है जिसके हम हकदार हैं, ये वो भविष्य नहीं है जिसके हमारे बच्चे हकदार हैं। बदलाव का समय आ गया है। याद करो चमरा लिंडा ने क्या वादे किए थे। उसने तरक्की का वादा किया था, उसने खुशहाली का वादा किया था, उसने सरकार में हमारी आवाज बनने का वादा किया था, लेकिन उसके वादे खोखले निकले। उसके वादे टूटे सपनों के सिवा कुछ नहीं है। वो अमीर बन गया और हम दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। उसने हमसे मुंह मोड़ लिया है, उसने उन्हीं लोगों को भुला दिया जिन्होंने उसे ताकत दी थी। हमारे किसान, जो हमारे समाज की रियरच हैं, वो जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी जमीन बंजर हो रही है, उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। उन्हें जो मदद मिलनी चाहिए वो कहां है? वो सिंचाई योजनाएं कहां हैं जिनका उसने वादा किया था? हमारे आदिवासी भाई बहन, इस धरती की आत्मा, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, उनके हकों का हनन हो रहा है, उनकी आवाज दबा दी जा रही है। हम चुप नहीं बैठ सकते जब अन्याय हो रहा है। हमें अपनी जमीन, अपने हक और अपनी पहचान की रक्षा के लिए एक साथ खड़ा होना होगा। हम बिरसा मुंडा के वंशज हैं। आजादी की भावना हमारे खून में है। हमारे पूर्वजों ने हमारे हकों के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने एक बेहतर भविष्य के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमें न्याय और समानता के लिए लड़कर उनकी विरासत का सम्मान करना चाहिए। आइए उनकी ताकत और साहस को अपनाएं। आइए एक ऐसे नेता को चुनें जो हमारे साथ खड़ा होगा, हमारे लिए लड़ेगा और बिशुनपुर के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। अपनी किस्मत बदलने की शक्ति हमारे हाथ में है। आने वाला चुनाव हमारा मौका है। हमें सोच समझकर चुनाव करना होगा। हमें एक ऐसा नेता चुनना होगा जो ईमानदार हो, मेहनती हो और हमारी भलाई के लिए समर्पित हो। एक ऐसा नेता जो हमारी परेशानियों को सुने। एक ऐसा नेता जो हमारी तरक्की के लिए अथक प्रयास करे। साथ मिलकर हम एक ऐसा बिशुनपुर बना सकते हैं जहां हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिले। आइए हम सबके लिए आशा, प्रगति और समृद्धि की एक नई सुबह का स्वागत करें। जय बिशुनपुर।